नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। चीन और अमेरिका में बिजनेस वॉर में भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा फायदा, यूएन स्टडी में कहा गया है। पीएम इमरान का नया फरमान, पाकिस्तान में हज यात्रियों की सब्सिडी खत्म। बिलावल भुट्टो ने शादी के सवाल पर किया जवाब, चार सूबे हैं तो चार बीवियां होनी चाहिए। अमेरिका और रूस से चल रही है शांति वार्ता के केंद्र में तालिबान, अफगान सरकार बाहर हो चुकी है। पाक पीएम इमरान खान का बयान में उन्होंने कहा है कि इस देश के मॉडल पर खत्म करेंगे पाकिस्तान से गरीबी। एप्पल 2 महीने बाद फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। 58.29 लाख करोड़ रुपए की हुई है पूरी वैल्यू। पाक के पूर्व पीएम गिलानी को झटका मिला है, एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है। लंदन में साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने स्मारक में तोड़फोड़ की, पहले भी हो चुकी है कोशिश। मास्को में तालिबान ने की अफगान नेताओं से वार्ता, महिलाओं ने की अपने अधिकारियों को वकालत। सऊदी अरब फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया है और ये पहला संचार है उपग्रह है। अमेरिका में ऐतिहासिक स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में लट्टू हुआ विपक्ष और बोले, हम दो दल नहीं एक राष्ट्र हैं। चीनी भाषा में पीएम मोदी ने चीनी वासियों को नए साल पर किया विश, राजदूत ने कहा शुक्रिया। तालिबान के हमले में 11 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत, अफगान अधिकारी। सीरिया अफगानिस्तान में सैनिकों की वापसी के मामले में ट्रंप को सीनेट का झटका मिला है, अपनों ने नहीं दिया कोई भी वोट। इसरो ने फ्रेंच गुयाना में लॉन्च किया है संचार उपग्रह GSAT-31। नन उत्पीड़न मामले में बोले पोप फ्रांसिस, हाँ पादरी और विशप कर रहे हैं यौन शोषण। ईसाई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की आस्था की आजादी की अपील, पोप ने कहा ऊपर वाले के नाम पर हिंसा उचित नहीं। गिरफ्तार भारतीय छात्रों को रियायत देने की मूड में नहीं है ट्रंप सरकार। पाकिस्तान जाएंगी शबाना आजमी और जावेद अख्तर, निमंत्रण किया है स्वीकार। राष्ट्रपति ट्रंप बोले अमेरिका में हो रहा है आर्थिक चमत्कार। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।